क्या भरतपुर के कामा में बिना चढ़ावा कोई काम नहीं होता? बीजेपी नेता अक्सर ये आरोप लगाते हैं। कामा में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा, लेकिन इस बीच एक राज्य मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो क्षेत्रीय विधायक और सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री जुआइदा खान का है। कृषि उपज मंडी समिति पहाड़ी के चुनाव के बाद मंडी समिति के निर्वाचित उपाध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों से कह रही है कि कामा में फूलों से काम नहीं चलेगा, आज हम पक्का काम करके जाएंगे। इसके बाद उनको 500 के नोटों के 51,000 रुपए वाली माला पहनाई जाती है। इसकी तस्वीर भी अब वायरल हो रही है। हालांकि जी मीडिया इस बारे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस बारे वीडियो के बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता जवाहर बेड़म ने इसकी निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस राज में लूट की छूट है। तो विजयी प्रत्याशियों ने नोटों की माला पहनाई बाद में, क्योंकि पहले पहनाई थी फूलों की माला। अब जब फूलों की माला पहनाई तो मंत्री जी ने कहा कि ये फूलों की माला से काम नहीं चलेगा। उसके बाद जो है जो विजय ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। प्रत्याशी उन्होंने नोटों वाली माला 500 के नोटों वाली, कुल 51,000 रुपए थे उसमें, वो माला पहनाई गई। अब ये तस्वीर सामने आने के बाद, वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी को मौका मिल गया हाथों हाथ, और उन्होंने इस मौके को बनाने की कोशिश की है। लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि लूट की छूट कांग्रेस राज में मिली हुई है, मंत्री जुआइदा खान को आधार बनाया जा रहा है इन तमाम आरोपों के पीछे। ये वीडियो सामने आया है, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो फूल वाली तस्वीर जब उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, उसके बाद अगले दिन जो है ये नोटों वाली जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। विजयी प्रत्याशियों ने ये माला पहनाई, लेकिन ये माला जो है जी का जंजाल बनती जा रही है कांग्रेस के लिए। इसको लेकर लगातार बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। श्रीमती जुआइदा खान जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में उन्होंने कृषि उपज मंडी में नियुक्त सदस्यों और अध्यक्ष से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदेह प्रकट करती है। उनका ये कहना अक्सर फूलों से काम नहीं चलेगा, माननीय मंत्री जी और क्या चाहती हैं आप? बृहस्पतिवार को उप चेयरमैन का चुनाव मंडी समिति प्रांगण में हुआ, जिसमें सभी व्यापारियों ने अपनी आड़त पर बुला करके मंत्री जी का स्वागत किया, माला की नोटों की माला पहनाई। बीजेपी ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।